So this is it. So somewhere around sixty-two point five four, we have made in uh, realized, and the net realized is fifty-three point three one. Take care. Exactly one percent on the margin available is what we have made this week. Take care. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट दैट वॉज मिड कैप ट्वेंटी पॉइंट फोर के नाउलेट्स को अंडस्टैंड वट हैवंबर दिस इज वॉट द डे लुक्स लाइक ठीक है यहां से हमारी फर्स्ट कैंडल बनी थी नौ पंद्रह की ह्यूज रेड कैंडल बट एज यू वुड नो इन मिड कैप मोस्ट ऑफ माई एक्सपोजर मोस्ट ऑफ कैप सारा मेरा एक्सपोजर ही बारह बजे के बाद होता है बिफोर बारह आई डो नॉट टेक एनी एंट्रीज ठीक है तो जो डीके था वो बहुत ज्यादा था तो बाय द टाइम एंट्री मोस्ट ऑफ द डीके हो चुका था ऐसे सीनारियोज में गाइज होता पता क्या है कि हम टीबीएस डाले होते हैं एंड सम ऑफ आर स्ट्रेटीज है ट्रेंड और पहली जब आप सो एसेल्स इज इन दर्म परसेंटेज राइट और जब आप पहले ही छोटे छोटे प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं आपने दस रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया उस पर चालीस परसेंट कैसर डाल रहे हैं तो वो इन एब्सोल्यूट वैल्यू तो चार रुपए ही हुआ ना तो वो चार रुपए का प्रीमियम तो ऐसे ही हिट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता एंड वेन वन साइडेड प्रीमियम गेट्स हिट

छोटे प्रॉफिट्स होते हैं पर लॉसेस भी छोटे ही होते हैं तो वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स profit, लेके हम एक्यूमुलेट करते जाते हैं सो दैट इज वट हैपन दैट डे एंड मिड कैप नीड ए नॉट टू रिमाइंड में सिर्फ मैं पच्चीस लाख के एक्सपोजर से ट्रेड करता हूँ एंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ पच्चीस आई थिंक ट्वेंटी पॉइंट फोर इज तिल अ वेरी गुड आउटकम जीरो पॉइंट एट परसेंट के अराउंड हमने बनाए हैं इट इज तिल अ वेरी गुड आउटकमिंग नेक्स्ट वन वॉज टू डी टी ई निफ्टी एफ एन एफ आई एम नॉट ट्रेडिंग एज ए डिस्कस इन दी अर्यर वीडियो एज वेल एफ एन एफ मैंने बिल्कुल छोड़ दी है आई एम डिस्कसिंग टू डी टी इट वॉज अ प्योरली वन साइड डेल्टा मूव ऑन टू डी टी आई शो यून द्वर उंट ऑफ लाइक तीस बत्तीस हजार के प्रॉफिट में थे हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन इफ विद कैंडल मैक्सिमम डिप केम टॉस ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये बैंबू ग्रीन कैंडल बनी टू रेड कैंडल्स मेरे थोड़े पुटकेसल्स गए थे बट कोई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था since आई एम ट्रेडिंग टू डी टी तो गामा मूवस का इतना इफेक्ट नहीं आया था एंड आई वॉज सेटिंग क्वाइट फार अवे बिकॉज प्रीमियम्स जूसी थे मैं ओ टी एम फाइव ओ टी एम सेवन तक बैठा था तो इट डेड नॉट इफेक्ट मी मच बिकॉज इन एब्सोल्यूट वैल्यू ये दो स्ट्राइक्स की मूवी थी दो या तीन स्ट्राइक्स की मूव होगी एंड या तीन स्ट्राइक्स की ढाई स्ट्राइक्स की मूव थी आई वमिंग अव टू द नेक्स्ट दिस डेल्टा मूव हर्ट एंड मी अलॉट बट ये पॉइंट ऑफ टाइम पर आके आई वॉज इन सेटिंग इन लाइक पाँच सात आठ हज़ार का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया था बट क्या हुआ था उसके बाद में दे वॉज दिस विक लाइक ए यू नो इन्वर्टेड कैंडल बनी और द क्लोजिंग वॉज अ लिटल डाउन तो वो जितने कुछ मैं हेविली प्राइसड पुट्स मैंने जो शॉर्ट कर रखे थे मिड डे के अराउंड ठीक है अस्सी अस्सी सत्तर सत्तर रुपये के वो इमीजिएटली स्पाइक होकर एक सौ दस एक सौ बीस पे आ गए एंड बाय द टाइम द ट्रेड वॉज क्लोज दे डिड नॉट यू नो लूज दैट काइंड ऑफ वैल्यू मतलब वो एक सौ सौ रुपये पे शॉट करके वो सत्तर तक पहुँच गया था इमीजिएटली वो सिर्फ एक एक छोटी रेड कैंडल मिले नॉट इवन रेड दिस दिस कांड इन्वर्टेड कैंडल में ही वो दोबारा 120 तक एंड ड्यू टू दैट द एम यू नो फ्रॉम प्लस सिक्स के केम बैक टू नेगेटिव सिक्स सेवन के एंड इवेंचुअली आई हैड टू क्लोज इन नेगेटिव एट के मतलब इतनी ज़्यादा एक तो उस दिन वो इलेक्शन वाला दिन था राइट right? एंड इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी ठीक है और टू डी टी में भी इतने ज्यादा ह्यूज एम टी एम स्विंग्स थे लाइक आई पोस्टेड द एम टी एम क्राफ्ट और टू डी टी आई यूजली डू ठीक है अपने ट्विटर पे सो यू कैन गो चेक आउट द ट्विटर एज वेल बाई वे आई पोस्ट ऑल द वेरीफाइड पी एंडल अपडेट्स देयर एज वेल ठीक है सो यू कैन गो सब्सक्राइब मी देयर एंड आई पोस्ट अ लिटिल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द डे अलॉन्ग विद द वेरीफाइड पी एंडल वेन एवर आई पोस्ट थ्रू सेंसिबल ऑन द एक्सपायरीज तो उस वजह से यू नो डेल्टा मूव आई वो उसने भी हमें इतना इफेक्ट नहीं हुआ ठीक है थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ ऑफकोर्स तीस बत्तीस हजार से हम ब्रेक इवन पे आ गए बट देन अगर वो फॉलो थ्रू हो जाती तो बहुत एक अच्छा पैसा उस दिन बन सकता था लाइक माई एजम्पन वॉज अगर वो पच्चीस ढाई सौ तीन सौ तक भी क्लोज कर जाती तो आई वुड है गुड अमाउंट ऑफ फिफ्टीन ट्वेंटी के मनी बट एनी वेज लेट दाइकॉन्स बी इन दायकॉन्स तो दिस वॉज निफ्टी अबाउट नाउ नेक्स्ट ऑफ वॉज बैंक निफ्टी वी मेड ट्वेंटीबर वटन इन बैंक है क्वाइट साइलेंट डे आई एम प्रशोर इतने कम पैसे बने हैं तो विक्स का ही इशू होगा बिकॉज मेरे को उस दिन शायद मॉनिटर द सिस्टम बट अगेन आई मीन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चौपीनेस बहुत प्रीमियम लेवल पे पेपीनेस बहुत ज्यादा थी लॉट ऑफ़ एंड बाकी रूली मॉनेटाइज मच एनी ऑफ द डीकेर गोइंग लेफ्ट राइट सेंटर एंड उसकी वजह से लो और कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वॉज निफ्टी नाइन पॉइंट इन निफ्टी नाउ अबाउट सिक्स सेवन के वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉर्निंग स्ट्रटजीज ठीक है मॉर्निंग स्ट्रेटजीज अगेन दे आर अटल लेसर रिस्कॉज क्या होता है कि अब वेंसडे आई वॉन्ट भी ट्रेडिंग सेकेंड वीक के बाद तो जो वेंसडे का मेरा सारा रिस्क था आई विल भी एलोकेटिंग हाफ ऑफ इट इं टू द निफ्टी एंड हाफ ऑफ इट इन टू देंसेक्स तो थोड़ी सी मैं पोजिशन साइजिंग थोड़ी रिस्की रखूँगा और थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा सो लेट्स गो एंड सी सेवन्थ ऑफ नवंबर निफ्टी मॉर्निंग में प्योर डेल्टा मूव ठीक है प्योर डेल्टा मूव मेरी मोस्टली सच uh, जो स्ट्रेटजीज हैं वो मॉर्निंग में कॉन्सेंट्रेटेड हैं ठीक है तो उसमें सबके एसल्स चले गए थे जो जितना जो पाँच छः हज़ार कॉल दे गई थी दे गई थी उसके बाद की हमारी एंट्री सब एक बजे के बाद ही हैं ड्यू टू बींग एक बजे के बाद वो तब तक सारा प्रीमियम बिल्कुल चला गया था सो आई कोट भी रिमोनटाइज ऑन मच लाइक सारा हफ्ता ही सेम स्टोरी थी गाइस प्रीमियम्स कम थे एंड uh, कुछ मिल नहीं रहा था एस जा रहे थे तो थोड़ा बहुत जो मिलता था वही हमारा यहाँ पे रियलाइज होता था सो दैट वॉज दी आउटकम नाइनटीन पॉइंट सिक्स के नेक्स्ट अपट पॉइंट एट के सिमिलर स्टोरी आई एल रिमेम्बर सुबह अच्छे प्रीमियम्स मिल गए थे बट वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी एंड शाम तक इतना डिके हो चुका था बाय द टाइम मे एंट्री के माई वेटिंग डक्स ऑन यू नो पेनिंग प्रीमियम लाइक साठ पचास पचास रुपए ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे पचास साठ रुपए के आई एल रिमेम्बर स्टैंडल शॉर्ट हो रहे थे कुछ बारह बजे जो मेरी जाती बट वॉट कैन वी से रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में सिर्फ रिस्क कंट्रोल करना है मार्केट के हाथ में है बट स्टिल चार्ट एंड सी वॉट रिली है अब जो एक तो एक तो ये जो विक वाली कैंडल्स होती है ना एक ये विक वाली होगी एंड देन ये विक वाली होगी दीज लाइक पहले तो वो सारे कॉल्स कैसे ले जाती है एंड देन दिन इमीजिएट फॉलो थ्रू इन दी बैग कई बार वो पुट कैसे भी चले जाते हैं बिकॉज पुट्स डिके नहीं हुए थे इमिजिएटली कॉल्स पाई कोई जब तक पुट्स डीके होने का पुट्स को डीके मौका मिलता है तब तक, तक वो वापस आके पुट का भी ऐसे ले जाता है सो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन दिस कैंडल ठीक है पहले कॉल्स के असर गए फिर सम ऑफ द पुट्स एसर वर्क ऑन और उसके बाद में जो हमारी स्ट्रेटजी शॉर्ट हो रही थी उसमें कुछ प्रीमियम से नहीं थे सो so, इवेंचुअली जो आठ नौ हजार बने हैं वो भी मिड डे की हमारी जो स्ट्रैटजीज थी एक तो अर्ली मॉर्निंग की स्ट्रेटजी शॉर्ट हो रही थी तीस हजार तो उसी ने दिए थे ठीक है ऑफकोर्स एंड कुछ स्ट्रेटजीज लॉस में थी मॉर्निंग की मिड मॉर्निंग की कुछ स्टर्जीज लॉस में थी तो ये लो विक्स की वजह से थोड़े से हमारा सिस्टम जो है इस सिचुएशन में लाइक वी आर मेकिंग वी आर नॉट इन कोई भी हमारा मंथ रेड में नहीं गया ठीक है लास्ट मंथ ऑल्सो वी क्लोज इन टू परसेंट ग्रीन उससे पिछला मंथ भी दो परसेंट ग्रीन में गया उससे पिछला परसेंट सात आई थिंक छह परसेंट ग्रॉस ग्रीन में छः या सात परसेंट ग्रॉस ग्रीन में था सो so, एवरेज हमारी तीन परसेंट की बैटरी है जो मेरी डिजायर्ड एवरेज होती है तीन साढ़े तीन परसेंट की बैठ जाती है बट द थिंग इज दट माई रिस्क इज ऑल्सो वेरी लो लाइक माई मैक्स रिस्क फॉर द डे इज वन पॉइंट थ्री परसेंट सो एम वेरी हैप्पी विद ट यू नो सेंसेक्स मैं सिर्फ छत्तीस लाख से ट्रेड करता हूं ताकि मेरा वो मैक्स रिस्क ब्रीच ना हो अगर मैं 53 थ्री लैक्स का मेरे पास टोटल एक्सपोजर है आई कैन गो टेल फोर्टी पांच लाख भी छह लाख में रख सकता हूँ नाउम इंक्रीजिंग माई पोजिशन साइज बोथ ऑन सेंसे निफ्टी बिकॉज अब वेंसडे और मंडे चले गए मैं वो सारा का सारा जो मेरा रिस्क है मैं इन दोनों इंडेक्सेस पे एलोकेट uh, करके मैं अपनी पोजिशन साइज इंक्रीज कर सकता हूँ मैं अपनी स्ट्राइक्स में पास आकर और रिस्क लेकर और क्रेडिट कलेक्ट कर सकता हूँ सो दैट्स कॉ नॉट बी अप्रोच गोइंग अहेड। जितना हमारा रिटर्न लूज हो रहा है बैंक निफ्टी के जाने से बैंक निफ्टी की तीन एक्सपायरीज वी आर लूजिंग बिकॉज मंथली एक्सपायरीज तो कराई करेंगे एंड देन मिड गैप के जाने से द प्लान विल बी कि वो सारा रिटर्न को हम यू नो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके यहीक्सपायरीज में निकालने की कोशिश करें ठीक है सारा नहीं निकाल पाएंगे जितना निकाल सकते हैं उतनी हम कोशिश करेंगे एंड कर तो मैं वो एरिया थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं सुन एज आई हैव समिंग आई विल पोस्टिंग ऑन दट एज वेल सो सब्सक्राइब टू द चैल एंड ब्रेसअप फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू दियर बै